हे गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटा भी दबा दीजिए। और हाँ, यूट्यूब की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको घंटे के हिसाब से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जब जॉन जेम्सन डोवर्टन जाता है तो कार्नेज उसे इन्फेक्ट कर देता है। तब कार्नेज और उसके लोग जॉन की वन टाइम पार्टनर मिस्टी नाइट को कैद कर लेते हैं। उनका मकसद है मिस्टी नाइट को डेमोगोब्लिन को खिलाना, जो कि अब कार्नेज की लवर श्राइक की बॉडी में आ चुकी है। मिस्टी अपने बायोनिक आर्म का यूज करके भागने में सफल हो जाती है, लेकिन अब भी वो सीवर्स में उलझी हुई है, जहाँ पे कार्नेज के मिनियंस की एक बहुत बड़ी सेना है। कॉमिक की शुरुआत में कार्नेज जेम्सन को दर्द पहुँचा रहा है और कह रहा है, मैं मानता हूँ कि हमारा भगवान नल डिमांड करता है, वो तुमसे ईमानदारी चाहता है और ओबीडियंस चाहता है, लेकिन ईमानदारी का क्या ही फायदा जब तुम उसकी बात ही नहीं मानोगे, वो तुम्हारी एबिलिटी चाहता है। जेम्सन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और जोर से कोशिश करूंगा। कार्नेज कहता है, क्या मैं तुम्हें माफ कर देने वाला लगता हूँ? मैं थोड़ा सा पागल हो सकता हूँ, लेकिन मैं रिजल्ट चाहता हूँ, और तुम मुझे ऐसे रिजल्ट नहीं दिखा रहे जैसे यहाँ पे दिखाए जाने चाहिए। जब से मिस्ट्री नाइट सामने आई है, तब से बहुत कुछ उल्टा सीधा हो चुका है। माना कि तुमने उसे कैद कर लिया था और फिर मैंने तुम्हें उसे सेक्रीफाइस करने के लिए कहा, और हम सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, और अब वो बाहर सीवर्स के अंदर घूम रही है और पता नहीं क्या कर रही है। डेमोगोब्लिन कहती है, लगता है कि हमें इस काम के लिए किसी नए खून को चुनना पड़ेगा, और तुम तो जानते ही हो कि मुझे खून कितना पसंद है। कार्नेज कहता है, तुम मेरे पास मिस्ट्री की बॉडी लेकर आओ। डेमोगोब्लिन कहती है, अगर बची होगी तो जरूर लाऊंगी। और तब डेमोगोब्लिन जेम्सन को लेकर सीवर्स में चली जाती है। अगले सीन में हमें एक मरा हुआ कार्नेज मिनियन दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी को मिस्ट्री नाइट ओढ़े हुए है और सोच रही है, पता नहीं आजकल मेरे साथ हो क्या रहा है, जिंदा रहने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, अपने आप को छुपाए रखने के लिए, इन मिनियंस से बचकर रहने के लिए, और अब तक मैं ये नहीं जान पाई हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तभी मिस्टी को कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे अपने सामने कुछ कार्नेज मिनियंस दिखाई देते हैं, जो कि मिस्टी के साइड से गुजरने लगते हैं। तभी मिस्टी उस मरे हुए मिनियन का हाथ उखाड़ती है और उन जिंदा मिनियंस के ऊपर अटैक कर देती है। बड़ी आसानी से मिस्टी उन दोनों मिनियंस को मार देती है और सोचती है, ये मिनियंस जहाँ कहीं भी जाते हैं वो अपने पीछे मौत का रास्ता छोड़ आते हैं, लेकिन अगर मैं इस रास्ते को फॉलो करूँ तो क्या मैं इन सबसे बच पाऊंगी। मिस्टी उस रास्ते पे आगे जाती है तो कुछ मरे हुए लोगों को देखती है और सोचती है, इनकी बॉडी से लग रहा है कि ये लोग यहाँ के वर्कर्स थे। मिस्टी उनकी बॉडीज को चेक करती है तो उसे एक फोन मिलता है। अब मिस्टी अपने भगवान से प्रार्थना करने लगती है, काश कि इस फोन में एक सिग्नल आ जाए। अगले सीन में हमें एक गली दिखाई जाती है जहाँ कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से सीवर का ढक्कन हटता है और अंदर से कार्नेज मिनियन बाहर आता है, लेकिन तभी कोई उस मिनियन से कहता है, एक्सक्यूज मी, और उसे एक जोरदार घूसा मारता है। और गाइस, ये होता है आयरन फिस्ट। ये देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और आयरन फिस्ट के साथ सेल्फी लेने लगते हैं। एक बच्चे उससे ऑटोग्राफ मांगती है कि तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है और इसके पीछे मिस्ट्री की आवाज होती है, जो कहती है, डैनी, थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। आयरन फिस्ट पूछता है, मिस्ट्री आखिर तुम कहाँ पे हो? मैंने तुम्हें मैसेज भेजे थे, मुझे पता चल गया था कि तुम किसी टाइप के मिशन पे हो। मिस्ट्री कहती है, ये कार्नेज है, वो वापिस आ चुका है। आयरन फिस्ट कहता है, कार्नेज मैं जल्दी वहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो। मिस्ट्री कहती है, मैं सीवर्स में हूँ, लेकिन अकेले मत आना, मदद साथ लेके आना। लेकिन तब डेमोगोब्लिन मिस्ट्री वाले फोन को तोड़ देती है और आयरन फिस्ट मिस्ट्री मिस्ट्री करता रह जाता है। आयरन फिस्ट कहता है, उसने सीवर्स का नाम लिया था और ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो लाल चीज भी सीवर्स के अंदर से बाहर आई थी। अब जब आयरन फिस्ट नीचे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसे जस्ट नीचे बहुत सारे कार्नेज मिनियंस दिखाई देते हैं, जिसपे आयरन फिस्ट सीवर्स का ढक्कन फिर से बंद कर देता है और कहता है, लगता है मुझे थोड़ी मदद बुला लेनी चाहिए। इधर जेम्सन मिस्ट्री से कह रहा है, तुमने मुझे बहुत सारा दर्द पहुंचाया है मिस्ट्री, और अब टाइम आ चुका है कि मैं भी तुम्हें कुछ दूं, क्यों ना तुम्हारे इस दूसरे हाथ से शुरुआत की जाए। डेमोगोब्लिन कहती है, आराम से, मेरे लिए भी कुछ बचा के रख लेना। ऊपर आयरन फिस्ट कई सारे हीरोज को बुलाकर लाता है, जिनमें है फायर स्टार, क्लोक एंड डैगर और मॉर्बियस,
आयरन फिस्ट उनसे कहता है, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। फायर स्टार कहती है, मिस्टर को मदद की जरूरत थी इसलिए हम आ गए। आयरन फिस्ट कहता है, लेकिन हर कोई नहीं आया। और ये इतना सरप्राइज करने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पागल हथियारों से उलझना नहीं चाहते, अगर उनको उलझना ना पड़े तो। मॉर्बियस कहते हैं, और ऑफकोर्स हमें यहाँ आना ही पड़ा, और मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई है, जब से उस पागल ने एक शहर पे कब्जा करने की कोशिश की थी। तो बताओ आगे क्या करना है? आयरन फिस्ट कहता है, अच्छा रहेगा कि हमें पहले जैसी चीज का सामना ना करना पड़े। कार्नेज इस टाइम सबसे ज्यादा खतरनाक है, और पिछली बार की तरह वो अकेला नहीं है। तब आयरन फिस्ट सीवर का ढक्कन हटाता है और उससे कई सारे कार्नेज मिनियंस बाहर आने लगते हैं और रोज उनके साथ लड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पे डेथ लॉग भी आ जाता है और कहता है, माफ करना थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि रास्ते में किसी को शूट करना पड़ा था। फायर स्टार कहती है, क्या तुम्हें ये एक मजाक लग रहा है? आजकल पता ही नहीं चलता कि कौन सा डेथ लॉक असली वाला है। मॉर्बियस कहता है, मुझे भी नहीं पता। जिस पे डेथ लॉक कहता है, मेरा नाम हेनरी हेज है। जिस डेथ लॉक माइकल कोलिंस के साथ तुमने पिछली बार टीम बनाई थी उसने मुझे यहाँ पे भेजा है। क्लॉक कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तो मैं तुमसे सीधा सीधा कहता हूँ, अगर तुमने यहाँ किसी को खतरा पहुँचाने की कोशिश की, खासकर डैगर को, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा क्लॉक कैसा फील करवाता है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें इसमें मजा नहीं आएगा। डेथ लॉक कहता है, और मैं भी तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अगर तुम अपना एक गंदा सा चेहरा मेरे सामने से नहीं हटाते हो, तो मैं अपना 12 नंबर का जूता तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। तभी आयरन फिस्ट उन दोनों के बीच में सीवर का ढक्कन फेंक कर मारता है और कहता है, हम यहाँ पे मिस्टी को बचाने और कार्नेज को रोकने आए हैं, और जैसा कि तुम कार्नेज की आर्मी पहले ही देख चुके हो, मुझे तुम सब की जरूरत है, तुम सब की। फिर चाहे तुमने यहाँ आने से पहले रास्ते में किसी को गोली मारी हो या ना मारी हो, जिसपे सब हीरोज तैयार हो जाते हैं। मॉर्बियस कहता है, मैं नहीं चाहता कि इसकी गोली मेरे को लगे, गलती से भी नहीं। डेथ लॉक कहता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, खासकर क्लॉक के बारे में। अब सब लोग नीचे सीवर्स के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं, चलो झगड़ा खत्म हो गया हो तो हमें ये पता लगाना है कि हम मिस्ट्री को यहाँ पे नीचे कैसे ढूंढेंगे।